हाय गाइस, माय नेम इज़ नैना एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अपने घर में सेफ होंगे और अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 5 डिफरेंट वेज टू वियर अ रैप स्कर्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टाइल के लिए मैंने रैप स्कर्ट को एज अ स्कर्ट कैरी किया है। इसके साथ मैंने पहना है वाइट कलर टी शर्ट टॉप, क्योंकि रैप स्कर्ट जो है वो हमारी ऑलरेडी प्रिंटेड है। तो इसके साथ आपको सिंपल कुछ पहनना है, सिंपल एज लाइक जो कि प्रिंटेड ना हो, पूरा प्लेन हो। चाहे आप शर्ट कैरी कर लो, चाहे आप टी शर्ट कैरी कर लो, अदरवाइज आप क्रॉप टॉप भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कैरी किया है वाइट कलर की टी शर्ट, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल टी शर्ट है। इसका भी मैंने एक हॉल वीडियो बनाया है जिससे मैंने 9 अफोर्डेबल स्कर्ट दिखाई है, साथ ही साथ मैंने उसमें ये टी शर्ट भी दिखाई है। तो इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो उस वीडियो को देखने में तो आप देख सकते हैं। एंड इस पर मैंने बनाई है एक पोनी, क्योंकि समर सीजन में हम अगर इस स्कर्ट को कैरी करते हैं तो बाल खुले रखने की एडवाइस मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं दूंगी। पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, दूसरी चीज़ कि जब हम अपने बाल ओपन रखते हैं तो काफ़ी हैवी लगने लगता है वो लुक, और गर्मी में देखने में भी थोड़ा अजीब लगता है। तो हम अपने बालों में पोनी बनाए हैं, और गले में मैंने पहना है एक मरून कलर का नेकलेस, क्योंकि मेरा स्कर्ट जो है वो मरून कलर का है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे एक मरून कलर का नेकलेस पहना है। ईयरिंग्स के लिए आप चाहें तो छोटे छोटे टॉप्स भी पहन सकती है, मैंने कुछ भी नहीं कैरी किया है क्योंकि मुझे ऐसे ही लुक जो है काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा था। अगर आपका मन है ईयरिंग्स पहनने का तो आप छोटे छोटे टॉप्स कैरी कर सकती है। बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टाइल की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि मैं अपनी जो भी वीडियोस अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उन वीडियोस को इंजॉय कर सकूं। सेकंड लुक के लिए मैंने रैप स्कर्ट को एज अ वन शोल्डर ड्रेस की तरह कैरी किया है। तो इसके लिए मैंने रैप स्कर्ट को लिया है, देन उसका एक साइड का पार्ट अपने शोल्डर पे रखेंगे जितना हमें चाहिए होगा, और उसके बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट बचेगा उसको ला के पीछे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसको हम नॉट कर देंगे, मतलब उसको बांध देंगे। और इसमें मैंने ऐड की है गोल्डन कलर की बेल्ट, अगर आप चाहें तो आप गोल्डन कलर की बेल्ट ऐड कर सकती हैं। अगर आपके पास गोल्डन कलर की बेल्ट नहीं है तो आप लेदर की बेल्ट, ब्लैक या ब्राउन कोई भी ऐड कर सकती हैं, या आप ऐसे ही इस ड्रेस को पहन सकती हैं विथ सम ईयरिंग्स। तो ईयरिंग्स के लिए मैंने यहाँ पे गोल्डन हूप ईयरिंग्स पहने हैं, क्योंकि मैंने बेल्ट गोल्डन कलर की लगाई हुई है इसीलिए मैंने ईयरिंग्स में हूप ईयरिंग्स पहने हैं जो कि गोल्डन कलर के हैं। अगर आप ब्लैक कलर की बेल्ट पहनते हो तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप ब्लैक कलर का कुछ ईयरिंग्स पहनो, चाहे वो टॉप्स ईयरिंग्स हो या चाहे वो स्टड ईयरिंग्स हो या कुछ भी, बट आप ब्लैक कलर का पहनो। इस तरीके से हमारा ओवरऑल लुक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, एकदम प्यारी सी ड्रेस लग रही है। मूविंग टू द थर्ड स्टाइल, लेकिन इससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया देन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज़ माय हैंडल। तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छी अच्छी रील वीडियोस, IGTV वीडियोस एंड स्टोरी पोस्ट करती हूँ। अगर आप उसको देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। थर्ड स्टाइल के लिए मैंने अगेन रैप स्कर्ट को एज अ ड्रेस कैरी किया है। तो इसके लिए आपको रैप स्कर्ट को अपने पीछे से लेना है एंड चेस्ट एरिया से पूरा आपको कवर कर लेना है, जितना ऊपर तक आपको चाहिए, ठीक है। मैंने इसके साथ वियर किया है वाइट टी शर्ट, तो अगर आप चाहें तो वाइट टी शर्ट को हटा भी सकती हैं, आप नॉर्मल ऐसे ही उसको कैरी कर सकती हैं एज अ ड्रेस, बट मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं इसको वाइट टी शर्ट पे भी कैरी कर लूँगी, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा और थोड़ा अलग भी लगेगा। एंड इसके साथ मैंने कैरी किया है एक नेक पीस, जो कि है ब्लैक बीड्स का नेक पीस, एंड कैरी किया है एक बेल्ट गोल्डन कलर की। अगेन मैं आप लोगों से कहूँगी कि यहाँ पे आप गोल्डन कलर की बेल्ट की जगह पे लेदर की बेल्ट ब्राउन या ब्लैक कलर की भी कैरी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ईयरिंग्स के लिए मैंने हूप ईयरिंग्स कैरी किया है, सिंपल सी मैंने पोनी बनाई है, इसका भी ट्यूटोरियल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ऐसे हमारा हो जाता है ओवरऑल लुक कंप्लीट, एंड आप देख सकते हैं कि ओवरऑल लुक कितना स्टाइलिश लग रहा है।
फोर्थ स्टाइल के लिए मैंने अगेन इस ड्रेस को, सॉरी इस रैप स्कर्ट को मैंने एक ड्रेस की तरह कैरी किया है, लेकिन ये ड्रेस है एक वी नेक ड्रेस, तो इसके लिए मैंने रैप स्कर्ट का एक पार्ट लिया है एंड उसको एक चेस्ट को कवर करते हुए ऊपर लेके जाना है। देन आपको सेकेंड पार्ट लेना है और उसको एक चेस्ट को कवर करते हुए ऊपर लेके जाना है, पीछे से एक चेस्ट को कवर करते हुए ऊपर लेके जाना है, बैक में लेके जाके आपको बांध देना है गले में। तो इससे क्या होगा कि हमारी ओवरऑल ड्रेस बनके रेडी हो जाएगी। अब इसके साथ आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं बेल्ट, बट मैंने यहाँ पे बेल्ट ऐड करना ज़रूरी नहीं समझा। इसके साथ मैंने वियर किए हैं चांद बालीज विथ बैंगल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। अगर आप चाहें तो एक छोटी सी काली सी बिंदी भी लगा सकती हैं। जो हमारी 5 नंबर स्टाइल है वो अगेन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तो इसके लिए मैंने रैप स्कर्ट के दोनों साइड की जो डोरी दी गई है उसको लेके बस पीछे से लेके अपने गले में टाई कर लिया है एंड देन एक साइड को अच्छे से फिनिश करते हुए, मतलब कवर करते हुए, फिनिश अच्छी आनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि फिनिश अच्छी आनी चाहिए। फिर दूसरे साइड से रैप करते हुए मैंने एक बेल्ट लगा ली है गोल्डन कलर की एंड गोल्डन इयररिंग्स पहन लिया है एंड द लुक इज कंप्लीट। मूविंग टू द 6 नंबर स्टाइल, जो कि मैं आप लोग को बोनस में दे रही हूँ। तो इसके लिए मैंने रैप स्कर्ट को एज अ श्रग कैरी किया है। रैप स्कर्ट को एज अ श्रग कैरी करने के लिए एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना है, वो ये है कि आप जो जिस कलर का टॉप या टी शर्ट ऊपर पहने वो सेम नीचे पहने, बॉटम वियर में आप उसी कलर की जीन्स या कुछ भी कैरी कर सकते हैं, बट वो स्किन फिट होना चाहिए, ब्लैक या वाइट। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का एक स्पैगेटी टॉप कैरी किया है एंड ब्लैक कलर की मैंने जैगिंग कैरी की है, ठीक है। उसके बाद मैंने रैप स्कर्ट को लिया है, जो यहाँ और यहाँ की जो दो डोरियाँ दी गई हैं उनको लेके जाके पीछे मैंने अपने नेक एरिया में, मतलब गले में टाई कर लिया है। देन एज अ श्रग रैप स्कर्ट रेडी है। आई होप आपको ये स्टाइल भी पसंद आई होगी एंड आई एम गोना टू एंड दिस वीडियो राइट हेयर राइट नाउ। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड गाइज, जितने भी मैंने आपको स्टाइल दिखाई है उनमें से आपकी फेवरेट स्टाइल कौन सी है, आपको कौन सी स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद आई, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ। बाय बाय।